शिक्षा व्यवस्था चौपट कैसे होगी? किसी को भी पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा? ऐसा कांड करना है कि लोग पढ़ाई छोड़ के भाग जाए? क्या चाइना के इंजीनियरों को फिजिक्स नहीं आता होगा? हम लोग से ज्यादा आता है। हमारे हाथ में रहता ना, हम सब चेंज कर देते। अगर हम ऐसे कहते व्यास विकृति, सब लोग समझ सकता था। लंबाई विकृति, सब लोग समझ सकता था। लेकिन शिक्षा व्यवस्था चौपट कैसे होगी? आखिर अगर हम ये लिख दें कि व्यास विकृति तो सब लोग पढ़ सकता है, किसी को भी पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हम ये लिख दें कि लंबाई विकृति तो सब लोग पढ़ सकता है, पढ़ाई को कोई छोड़ेगा नहीं पढ़ाई को। लेकिन ऐसा कांड करना है कि लोग पढ़ाई छोड़ के भाग जाए, इसलिए इसका नाम रखेगा पार्श्व विकृति। कौन सी विकृति? पार्श्व विकृति। अब बताओ, एकरा नाम रखेगा अनुदैर्घ्य विकृति। कौन सा विकृति? अनुदैर्घ्य विकृति। ऐसे ही लिखाता है ना, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य विकृति। अब बताओ, ये किसी गधा लड़का को भी बोलिएगा कि लंबाई विकृति तो बता देगा कि लंबाई में चेंजिंग हो रहा है, अब पार्श्व विकृति कहिएगा तो किसी को बता देगा व्यास में। लेकिन ना सजरा मैं काले चौपट करके गया, और हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में क्या हो रहा है? ऐसा में क्या जरूरत है छोटा हम इसको पार्श्व विकृति कहने के लिए? हाँ, भारत का नाम भारत ना हो के अगर सोने की चिड़िया ही रह जाती तो आज हम लोग क्या कहते? सोने की चिड़िया। वो तो हमने बदला ना उसको, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान की, ये तब नाम जानते हैं। अजब वाले नाम से क्या मतलब बनता है? आपको क्या लगता है चाइना वाला ना पार्श्व बोलता होगा ना व्यास बोलता होगा? नहीं बोलता होगा, कुछ और बोलता होगा। तो क्या चाइना के इंजीनियरों को फिजिक्स नहीं आता होगा? हम लोग से ज्यादा आता है। नौटंकी करके रख दिया सब बेचारा, सब लड़का सबको एकदम दिक्कत। अब हम क्या बोले हम यहाँ पे? हमारे हाथ में रहता ना, हम सब चेंज कर देते हैं। सही सच्ची बताते हैं, तो पढ़ाई को इतना अजीब चौपट। अरे हम पढ़ाने बैठे, फिजिक्स पढ़ाने बैठे कि भाषा पढ़ाने बैठे हैं? बहुत हिंदी का है तो ले लीजिए ऑप्शनल हिंदी, जाके पीजी कीजिए। उसमें पार्श्व मतलब क्या होता है? मात्रा, हर्षई, दीर्घई लेके चलते रहो, परेशान रहो यहाँ पे फिजिक्स के चक्कर में। इसका कोई मतलब बनता है नहीं, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ा सकते। इसको पढ़ाएंगे हम बाहर में, जाओ छोटा तुम, वही ठीक है। अब बताइए किसको? अब आप ही बताओ बाबू। हम अगर बोले व्यास विकृति, मतलब आपको समझा व्यास में चेंजिंग किया है, लंबाई विकृति लंबाई में चेंजिंग किया है। हाँ, पूछता वही है ना, तो गवर्नमेंट एक बार बोले कि इंडिया, चाइना इतना डेवलप क्यों हुआ? उसके यहां भी एजुकेशन में यही सिस्टम था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए तो स्कूलों को फॉलो कीजिए। इंटरनेशनल स्कूल में पूरा टाइल्स, मार्बल, एसी यूसी सब लगा रहता है, खाली क्लासवा के अंदर पढ़ाई कौन सी होगा ओकरे स्टैंडर्ड में लेके चलेंगे आप, नहीं समझे? तो पार्श्व विकृति क्या होता है? व्यास में परिवर्तन, और अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में परिवर्तन।